20 साल आपको पोसे पाले हैं, किस तरह मतलब आपने पिता को जेल करवा दिए हैं, क्या ये नहीं पूछ सकते हैं? मेरा भाई को मतलब क्या एक साल में पोसे हैं, एक साल में बड़ा हो गया था मेरा भाई को, तो जिस तरह इनको पोसे उसी तरह 20 साल तक पोसे पाले होंगे हैं? जब उनको तकलीफ नहीं हुआ मारने में, तो फिर इनको क्या चीज का तकलीफ होगा? ये वाली भाई सब गलत है ना? आज हम लोग जो केस जीते हैं ना, सिर्फ एक मीडिया कर्मी भाई लोग के वजह से। कि आपकी आपको दादी की याद आती है कि नहीं, आपकी दादी माँ कैसे रहती होगी, तो ये सवाल नहीं करते हैं कि आप यहाँ के छोटू जी की माँ कैसे रह रही है छोटू जी के बिना, और अभी मिले। लेकिन वो लोग वो वाला काम नहीं किया कि हम अपने भाई से मिल सके, और इस जगह पहुंचा दिए कि कभी जिंदगी में नहीं मिल सके। वो तो अभी जेल में है, जेल में सुरक्षित है कोई। हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब? प्यारा सा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि दोस्तों देखिए, हम कोई भी चीज़ को इनकार नहीं करते हैं, हम ये नहीं कहते कि मीडिया वाले भाई सब गलत है, नहीं, मीडिया वाले भाई सब आज हम लोग जो केस जीते हैं ना, सिर्फ एक मीडिया कर्मी भाई लोग के वजह से, और आप लोग के वजह से। आप लोग आज प्यार दुलार नहीं देते तो आज हम लोग केस नहीं जीत पाते। हम आप लोग को दिल से धन्यवाद देने चाहते हैं, पब्लिक लोग को और मीडिया वाले भाई को। लेकिन हाँ, उसी में कुछ आदमी हैं कि जो कि हमसे बाइट लेते हैं अच्छे तरह से, लेकिन उसी को लेकिन इस तरह का किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, जितना भी मीडिया कर्मी भाई लोग है, एक होता है भगवान की तरफ, ठीक है, कहिए किस तौर पर, इस ताकि क्या झूठ है, कोई भी चीज होता, ताकि जो है जितना भी पब्लिक लोग है सबको पता चल जाए, है ना, क्या किसका गलती है नहीं है, एक तरफ से वो भी भगवान की तरह। लेकिन अगर वही जब गलती करने लगेगा चंद व्यू के लिए, उल्टा सीधा दिखाने लगेगा, तो आदमी क्या समझेगा, विश्वास करेगा? तो उसी तौर पे जो है, अभी हमारे घर पे दो तीन को मीडिया लोग आए थे, तो आरती जी से सवाल जवाब पूछने लगे। तो आरती जी पहले सवाल जवाब करने से पहले वो लोग को बोल दिए थे कि भैया लोग आप वहाँ का बात नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी बेटी रहे दोस्तों, चाहे पिता या भाई या कोई भी रहे, कितनों भी गलती कर देना तो याद तो एवे करता है। लेकिन आरती जी सब दिन से सच्चाई पे खड़ी है और खड़ी रहेगी, उसी तौर पे वो लोग गलती किया है तो वो लोग को गलती की सजा भोगना पड़ेगा। तो चलिए मीडिया कर्मी भाई लोग से क्या बात हुई नहीं हुई तो आप लोगों को बता रही है, बताइए। तो और ये भी बात है कि यहाँ पे हमसे सवाल पूछते हैं कुछ, और उनको तीर का तार बना के बोलते हैं कुछ, मेरे घर पे बोलते हैं कुछ, और कहीं जाके उनका उल्टा बोल देते हैं, इसलिए तकलीफ होती है, नहीं तो ये सब चीज से तकलीफ नहीं होगी। और यही पूछ रहे थे, मान के चलिए वहाँ का मैटर में कुछ पूछ रहे थे कि, और यहाँ पे हमको बोले क्या कि आपकी आपको दादी की याद आती है कि नहीं, आपकी दादी माँ कैसे रहती होगी, तो ये सवाल नहीं करते हैं कि आप यहाँ के छोटू जी की माँ कैसे रह रही है छोटू जी के बिना। वो तो अभी जेल में है, जेल में सुरक्षित है, कोई खराब बोलते होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या बात सही है, जेल में तो सुरक्षित है, मिल सकते हैं जाके वहाँ, और इनका तो कहीं नहीं है, जेल में भी रहते तो जाके मिल सकते थे, दिल को तसल्ली दिला सकते थे कि चलिए भाई जेल में भी है और अभी मिले। लेकिन वो लोग वो वाला काम नहीं किया कि हम अपने भाई से मिल सके, और इस जगह पहुंचा दिए कि कभी जिंदगी में नहीं मिल सकते हैं, नहीं बात कर सकते हैं, हैं? आदमी सबको भी मिर्ची लग रही है कि आरती जी अपने पिता को जेल कर दिए हैं। आदमी ये नहीं कहते हैं कि मोनू का भाई जो जहाँ गए हैं कैसे मिलेंगे, और इनका परिवार किस तरह है और कैसे घुट घुट के रह रहे हैं, वो सब दिखाई नहीं देता है किसी को। बट गलत सलत उछालने के लिए बहुत आदमी है दोस्तों, क्योंकि गलत सलत में उनको व्यू आएगा, उनके पास पैसा आएगा, इसलिए गलत सलत। चंद व्यू के लिए ऐसा मत कीजिए, ठीक है, जो सच्चाई है सच्चाई दिखाइए, सच्चाई के लिए हम कभी पीछे नहीं हटते, हम ये नहीं कहते कि हम बाइट नहीं देंगे, हाँ लीजिए जो सच्चाई है, जिस मैटर पे आप बात करने के लिए आए हैं, सजा हुई है इस मैटर पे, पूछिए कितने आदमी को हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रक्रिया रहा केस का, आपको नहीं बताएंगे तब न क्या? अब बोलते हैं कि रक्षाबंधन आने वाले हैं, क्या वो भाई है तो उनको याद नहीं आती होगी कि हाँ मेरी भी एक सिस्टर है, हमसे सवाल करते हैं, उनसे जाके सवाल कीजिए, और एक वीडियो में आप लोग देखिएगा, आप लोग को हम जरूर अपडेट देंगे। अभी तो ये बोलते हैं कि आरती जी आपको अपने भाई का याद नहीं आता है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो हम कहना चाहते हैं उनसे, मेरा जो भाई था छोटू, सबसे प्यारा दुलारा था, तो क्या मेरी बहन को मेरा भाई याद नहीं आता है? वो सवाल क्यों नहीं करते हैं, ये सवाल क्यों करते हैं आरती जी के बारे में, हैं?
गलत सलत कुछ से कुछ उल्टा सीधा इसी में थोड़ा बहुत हो गया बदतमीजी आरती जी के साथ कर लिए हैं। इसमें हम मतलब जो कि अभी भी बोल रहे हैं कितना अच्छा से बोल रहे हैं, लेकिन लग क्या रहा था उनको कि आरती जी गुस्सा हो गई। गुस्सा अब घर में मान के चले काम वम कम होता है, ये तो गर्मी इतना ज्यादा है, काम भी बहुत ज्यादा है, घर में अकेली करने वाली तो कैसे मतलब होगा है। अभी देखिए 11 बज गया करीबन, ठीक है, और एक भी काम नहीं हो पाया है, सिर्फ खिचड़ी चोखा बना है। अभी खाए लोग तो बोलते हैं कि यूट्यूब के पैसे आते हैं, कचौड़ी पकौड़ी खाता होगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग खिचड़ी चोखा खाते हैं टाइम के अनुसार, जिस दिन जैसा होता है वैसा खाते हैं, ठीक है। लेकिन आदमी को सोचने पे मतलब क्या करे दोस्तों, कुछ भी सोच सकता है, आम धतूर कुछ भी। बोलने वाले को तो खैर मुंह नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उनकी सोच है, उनकी राय है। क्या आप लोग जो कुछ सब लोग को नहीं बोल रहे हैं, जो कुछ लोग है कि मतलब आरती जी के बारे में जो गलत सलत बोलते हैं कि आरती जी आज जेल करवा दिए हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आरती जी सच्चाई के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी, और वो लोग गलत किए हैं, ठीक है। नहीं, बहुत चाहे आप लोग कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, ये बदलेगी ना। ये सोच रहे हैं कि इस तरह का अभी ऐसे बोलेंगे ना, कहीं आरती को ज्यादा दिक्कत हो बात उससे, कमेंट से और मीडिया वाले से जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ताकि आरती बदल जाएगी, लेकिन ये आरती बदलने वाली बात है दोस्तों है। सब लोग तो बोलते हैं आरती जी के बारे में कि गलत है, आरती जैसा बेटी किसी को ना दे, तो कभी ये सोचे हैं कि आरती जी कितना ज्यादा महान है, कितना ज्यादा महान है, ये कभी सोचे हैं? ये तो आप लोग सोच लिए कि एक बेटी अपने पिता को जेल करवा दिए, लेकिन एक बात सोचे हैं कि अभी तो आदमी सब सवाल करते हैं कि आरती जी 20 साल आपको पोसे पाले हैं, किस तरह मतलब अपने पिता को जेल करवा दिए हैं, क्या ये नहीं पूछ सकते हैं मेरा भाई को मतलब क्या 1 साल में पोसे हैं, 1 साल में बड़ा हो गया था मेरा भाई को, तो जिस तरह इनको पोसे उसी तरह 20 साल तक पोसे पाले होंगे, हैं? जब उनको तकलीफ नहीं हुआ मारने में, तो फिर इनको क्या चीज का तकलीफ होगा, आप बताइए। ये जो बोल क्योंकि है, वो एक कातिल है, ये जो बोल क्योंकि है, वो एक कातिल है। जब वो पिता थे तो पिता थे, पिता बन के थे, वो अलग बात था, तभी ये कहां दुख दिया। अगर इनको दुख देना होता तो 20 साल छोड़िए, 16, 17 साल, 12 साल, 15 साल में दुख देती है, लेकिन 20 साल के बाद क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इनके पिता एक मर्डर किया है, उसके बाद उनको जो है सजा हुआ है, ठीक है। आप जब दूसरे के बच्चे को मारिएगा तो क्या आपको छोड़ देगा, चाहे आपका कोई भी रहे, भाई रहे या बाप रहे, ठीक है ना। ये जो जिस तरह आरती जी किए हैं, अगर इस तरह करेंगे सब लोग, अगर जहां मर्डर होता है वहां अनदेखा नहीं करेगा, काटो रोल कैमरा एक्शन, जहाँ मर्डर होता है चाहे अपना ही आदमी क्यों ना हो, अगर मर्डर किया है अनदेखा मत कीजिए, अनदेखा करने के कारण ही आज पूरा बिहार में जो है ना इस तरह का गंदगी फैला है। जो हत्यारा है वो हत्यारा ही रहेगा, उनको कभी भी बढ़ावा मत दीजिए, ठीक है। मेरे जगह रह के देखिए तो बहुत सारी बात ऐसा जो होगा कि आप लोगों को जो है ना फिर पता चलेगा। सब लोग तो एक समय था जब सजा नहीं हुआ था इनके पिता और भाई को, तो तब बोलते थे कि मोनू, हाँ मोनू ऐसा हो गया, अपने भाई का याद नहीं था, अरे हम रहते तो भाई का बदला मौत का बदला मौत लेते, लेकिन ऐसा हम लोग कुछ नहीं किए, क्योंकि हम लोग कानून पे भरोसा करते थे और अब तक भी कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग कानून से लड़े हैं, अपने बल से नहीं, कानून से लड़े हैं, और आज हम लोग कुछ सच्चाई पे करें तो इंसाफ मिला है दोस्तों। तो इसीलिए बोलते हैं आप कोई भी आते हैं तो अच्छे से क्वेश्चन जवाब दीजिए। हम ये नहीं कहते हैं मीडिया कर्मी भाई लोग को गलत है, लेकिन कुछ लोग है ऐसे हैं कि मतलब उल्टा सीधा सवाल पूछ के बात को जो है उलझाने में लगे रहते हैं, ये बात जो फंसाने में लगे रहते हैं, बेटे किसी को ना दे, ये नहीं सोचते हैं कि उनके पापा के जैसे किसी को पापा नहीं आते। हाँ, ये नहीं बोलते हैं, ये सवाल करना चाहिए आपको, ये सवाल करना ही पड़ेगा आपको कि भगवान ना करे ऐसा पिता किसी को दे, पिता तो सबको देते हैं दुनिया में, लेकिन उस तरह पिता किसी को ना दे, इस तरह कभी बोले हैं आप लोग, इसीलिए। तो चलिए खैर कोई नहीं, आप लोगों को हम यही कहना चाहते हैं, आज जो आरती जी को गलत सलत बोल रहे हैं उनके पिता को जाके बोलिए, ठीक है।
इस तरह का बात मत बोलिए कि आरती जी गलत है। आरती जैसे बेटे भगवान किसी को ना दे, ये भी सोचिए कि इनके पिता की जैसे भगवान किसी को पिता ना दे। मेरा भी पिता है, सबके मेरा भी पिता है, आपका भी पिता होगा। इतना समझदारी होना चाहिए गार्जियन को कि हाँ क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, मेरा बच्चे क्या कर रहे हैं और हम बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, बच्चे के मेरा साथ बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, वो सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। मेरे प्रति बच्चे और बच्चे को क्या चाहिए वो चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। अब ये नहीं कि मतलब रावण की तरह मर्डर ही कर दे, ये भी सोचना चाहिए कि बच्चे पिता जब प्रति कितना सोच है और जो देखिए माता पिता जो सिखाते हैं ना बच्चे को, बच्चे वही करते हैं। कभी भी बच्चे पेट से सीख के नहीं आते हैं, इसलिए कहते हैं अपना बच्चा पे कड़ी से कड़ी नजर दीजिए, ठीक है, ताकि कहीं भी ऐसा गलत सलत ना हो। और अभी जो बोल रहे हैं ना आरती गलत है ये वो, पहले उनका पिता गलत है वो देखिए तब इनको बोलिए। तो चलिए खैर कोई नहीं, वीडियो को यही एंड कर देते हैं दोस्तों। बाकी कोई भी नया अपडेट आएगा तो आप लोगों को जरूर बताएंगे। फिलहाल भी फोन आ गया है किसी का, देखते हैं, इतना गरीब है कि मोबाइल कैमरा टूटा है फिर भी हम लोग इससे वीडियो बनाते हैं, ठीक है। आगे वाला देखिएगा, देखिए आगे वाला कितना टूटा, पूरा डिस्प्ले टूटा है, लेकिन क्या करेंगे, गरीबी है दोस्तों।